जल है तो कल है, जल ही जीवन जैसे नारों से पानी बचाने निगम क्षेत्र में निगम प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से पानी बचाने की अपील कर जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम मुख्यालय में ही अधिकारियों की उदासीनता से प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लीटर पानी की बर्बादी टंकियों के माध्यम से हो रही है, जिसका प्रमुख कारण निगम कर्मचारियों की उदासीनता है। इस स्थिति को देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। वहीं छतों में रखी पानी टंकियों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। टंकियों में पानी भर जाने के बावजूद सप्लाई को बंद नहीं किया जाता, जिससे दिन रात पूरा पानी टंकियों के जरिए छत में फैलता रहता है। लंबे वक्त से ऐसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। दूसरों को पानी बचाने की सलाह देने वाले निगम प्रशासन को पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। जल ही जीवन है का नारा बुलंद करने वाला नगर निगम पानी बचाने को लेकर किस तरह से नगर निगम की कार्य प्रणाली है वो यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है। हम नगर निगम मुख्यालय की छत के ऊपर, जहाँ आप देख सकते हैं ये प्रतिदिन की हालत है। एक दिन का ही नहीं, पूरी सिंटेक्स की पानी टंकियाँ भर चुकी हैं। ये इसको बंद करने के लिए किसी कर्मचारी के पास समय नहीं है। दूसरा, आप देख सकते हैं पानी इन टंकियों के भरने की वजह से पानी रोजाना प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लीटर पानी की यूँ ही बर्बाद होता है, जिसका कोई इसकी जानकारी लेने के लिए कोई तैयार ही ना है। इस संबंध में किसी तरह के कोई अधिकारी चर्चा करने को तैयार है। स्क्रीन में आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि नगर निगम की वो पुराने जो बिल्डिंग है उस पर जो बनी हुई टंकी वो भी पूरी तरह से भर चुकी है, लबालब है, लेकिन उसका भी पानी को रोकने के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहाँ उस टंकी फुल टंकी से भी प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लीटर पानी की बर्बादी होती है। क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में कई पुरानी टंकियां भी जो अभी अस्तित्व में हैं, जिनसे काम लिया जा रहा है, जिनसे काम चल रहा है, उनमें भी कई स्थानों पर टंकियों में लीकेज है, लेकिन उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नहीं समझी जाती है। क्योंकि मुख्यालय में हम मौजूद हैं, मुख्यालय की स्थिति को आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं नगर निगम अपनी कार्यप्रणाली के लिए कितना सजग है। प्रतिदिन इस तरह की अव्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है, पानी की बर्बादी होती है और नगर निगम में सैकड़ों की कर्मचारी नगर निगम में कार्यरत है, सैकड़ों कर्मचारी जो इस पानी का उपयोग शौचालयों में ज़्यादातर किया जाता है। तो जब आदमी शौचालय जाता है उस वक्त भी जो वहाँ पे बेसिन वगैरह लगाएगा उसमें पानी नहीं रहता है, तो लोगों को परेशान होना पड़ता है, जिसकी प्रमुख वजह यहाँ से बहता हुआ लीकेज पानी है। इसे रोकने किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई, क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों को किसी फुर्सत है नहीं दूसरे अन्य कामों में व्यस्तता की होने की वजह से, शायद यही कारण है कि इसके उपेक्षित छोड़ दिया गया। इस तरह की पानी बर्बादी रोज होती है और जल ही जीवन है का नारा लगातार नगर निगम द्वारा विभिन्न वार्डों में दिया जाता है, लोग प्रचार रथ चलाया जाता है, दुनिया भर के तामझाम किए जाते हैं, लेकिन पानी की बर्बादी नगर निगम मुख्यालय की छत के ऊपर किस तरह से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी की बर्बादी होती है यह देखा जा सकता है। नगर निगम के अधिकारियों को इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल इसको बंद किए जाने की जरूरत है, ताकि पानी का दुरुपयोग न हो सके, पानी यूँ ही सड़कों में ना फैले। नीचे जो पूरे बगीचे गीले हो चुके हैं पानी की वजह से, इसमें संधारण की भी आवश्यकता नहीं है। यदि अगर देखा जाए तो केवल नीचे से मोटर को बंद और चालू करने की जरूरत है, क्योंकि मोटर चालू ही रहती है, इसकी वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। जिम्मेदार अधिकारी जो दूसरों को जागरूक करते हैं पानी बचाने को लेकर, उन्हें अपने निगम मुख्यालय के और भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जा के साथ संजय दुबे।